हम सब हांगकांग में रहने वाले एक गुट से जुड़े हुए हैं जिन्हें अपने शहर से बेहद लगाव है और शांति प्रिय प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती बल प्रयोग से हटाने की अनेक कोशिशें की। इस सब के बाद अब हम अपनी 5 मांगे पुनः प्रस्तुत करने के लिए कृत संकल्प है। एक प्रत्यर्पण विधेयक यानी एक्सट्रेडिशन बिल की पूर्णतः वापसी, इस विधेयक का अस्थायी लंबन करना, इसके अनुमोदन की प्रक्रिया को कुछ समय बाद से शुरू करने की संभावना को बनाए रहा है। हमें विधेयक का संपूर्ण प्रत्यर्पण चाहिए। तो प्रस्तुत विरोध के लिए दंगा शब्द का प्रयोग निरस्त किया जाए। निहत्थे शांति प्रिय प्रदर्शनकारियों पुलिस ने जानलेवा घातक हथियारों से हिंसक हमला किया, इसलिए इस विरोध का वर्णन दंगे के रूप में करने का हम निषेध करते हैं। 3 गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई, खासकर छात्रों एवं घायलों की। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इन्हें बरी किया जाए और भविष्य में फिर कभी दोबारा इनका कोई उत्पीड़न न हो, ऐसा वादा सरकार करे। 4 निर्मम व्यवहार के लिए पुलिस की जवाबदेही एवं जाँच हो। हम चाहते हैं कि वे सभी पुलिस अफसर जिन्होंने प्रदर्शनकारियों एवं पत्रकारों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की है उसके लिए वे जवाबदेह हों। 5 कैरी लैम का इस्तीफा। अब ये बिल्कुल साफ है कि प्रधान कार्यकारी ने लोकमत को लगातार अनदेखा किया है, जिसके कारण हालात और अधिक गंभीर हो गए हैं। उनकी क्षमताओं पर रत्ती भर भी विश्वास न होने के कारण हम फौरन उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे।